सर जी लेक्चर 16 दोबारा से अस्सलाम वालेकुम। सेटलमेंट पे कर रहा था मैं बात। सेटलमेंट के बाद आप आइए पेज 11 पे, पेज 11 नंबर 8, पेज 11 पे एडजस्टमेंट नंबर 8, ये समझ लें। सारे एम्प्लॉयज इकट्ठे आए थे और साथ जीने मरने की कस्में खाई थी और इकट्ठे ही छोड़ के जाएंगे, हर रोज लोग हर साल एम्प्लॉयज रिटायर हो रहे होंगे, तो इस साल में जो एम्प्लॉयज रिटायर होंगे और उनको जो ग्रेच्युटी पेमेंट दी जाएगी तो क्या एंट्री हो जाएगी? लायबिलिटी खत्म, डेबिट। और कहां से निकाल के पैसे दें उनको? प्लान एसेट्स से। तो लायबिलिटी डेबिट, प्लान एसेट्स क्रेडिट, ये एडजस्टमेंट नंबर 8 है कि इस साल जो एम्प्लॉयज रिटायर हुए उनको जो पैसे दिए तो हमारी लायबिलिटी कम हो गई, लायबिलिटी डेबिट, और प्लान एसेट्स में से निकाल के पैसे दे दिए, प्लान एसेट्स क्रेडिट। अरे वो तो प्रेजेंट अलग कर रहे हैं ना, अकाउंट तो दोनों अलग अलग है ना, प्लांट का अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डिडक्शन का अकाउंट, दोनों अलग अलग होते हैं, उनके बैलेंस करते प्रेजेंट नेट करके हैं, अकाउंट तो दोनों अलग अलग होते हैं, तो इसलिए ये लायबिलिटी का अकाउंट अलग अकाउंट है, प्लान एसेट्स का अलग अकाउंट है। तो प्लान एसेट्स में से निकाल के पैसे दे देंगे वो क्रेडिट और लायबिलिटी डेबिट होगी, होगी इंशाल्लाह होगी, नहीं होगी तो अपना अपना कैश क्रेडिट। एडजस्टमेंट 8 डन। इसमें डिफरेंस नहीं, जितने पैसे दे रहे हैं उतने से लायबिलिटी डेबिट, उतने से प्लान एसेट्स क्रेडिट। ये सेटलमेंट नहीं हो रही, सेटलमेंट और चीज थी वो खत्म हो गई, ये तो जाने वाले को पैसे दे रहे हैं, लाफिस कर रहे हैं पैसे दे रहे हैं, तो लायबिलिटी डेबिट और प्लान एसेट्स क्रेडिट। हाँ जी, डिफरेंस क्यों आ रहा था? अच्छा हाँ, जितने पैसे दे रहे हैं प्लान एसेट्स क्रेडिट, लायबिलिटी डेबिट, बाकी बच कितने गए वो अलग इशू है। जितने पैसे दे रहे हैं लायबिलिटी डेबिट, प्लान एसेट्स क्रेडिट, प्लान एसेट्स में कितने बचे रह गए अलग इशू है, लायबिलिटी डेबिट, प्लान एसेट्स क्रेडिट। जितने पैसे दे रहे हैं इंप्लॉई को लायबिलिटी डेबिट उतने से ही, प्लान एसेट्स उतने से ही क्रेडिट। ये एक अलग बहस है कि जो डब्बे में पैसे रखे थे उसमें थोड़े रह गए हैं, ज्यादा रह गए हैं, अभी इस वक्त जितने पे कर रहे हैं लायबिलिटी डेबिट, प्लान एसेट्स क्रेडिट। पेज नंबर 10 पे आए, पेज नंबर 10, पेज 10 नंबर 4 पढ़ लें, सारी बता दिए, नंबर 4 सारी पढ़ लें, बता दिए आपको, ये डब्बा भी उम्मीद है समझ आ जाएगा। पेज 10 पे इंटरेस्ट कॉस्ट सारी पढ़ लें, पेज 10 पे इंटरेस्ट कॉस्ट सारी पढ़ लें। ईयर 3 में रेट और था, ईयर 4 में रेट और है, ये किस पे डिस्काउंटेड है? ये ईयर 4 में रेट और है, 3 में और था, ये किस पे डिस्काउंटेड है? ये 4 वाले पे, ये 3 वाले पे डिस्काउंटेड था ना, जिस पे ये डिस्काउंटेड था उसी के ऊपर उसको इंटरेस्ट लगा के एक साल आगे बढ़ाएंगे, ये लिखा हुआ मैंने। नॉर्मली वो सारा कुछ ईयर एंड पे हो रहा होता है, लेकिन अगर उसने कैलकुलेशन डालनी हुई तो लायबिलिटी अगर ईयर मिड में पे हो रही है तो पहले 6 महीने की इंटरेस्ट की कैलकुलेशन और है, अगले 6 महीने की और है, लेकिन नॉर्मली ये सारे काम ईयर एंड पे हो रहे होते हैं, इसलिए ओपनिंग के ऊपर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट सेटलमेंट पे लायबिलिटी जितने से हम खत्म कर रहे हैं लायबिलिटी डेबिट, जितने पैसे जितने प्लान एसेट्स उस कंपनी को ट्रांसफर कर रहे हैं वो उतने से क्रेडिट, जो इसमें डिफरेंस है वो गेन लॉस ऑन सेटलमेंट है। इंटरेस्ट कॉस्ट पढ़ लिया, पेज 5 पे आ जाएं, पेज 5 पे, पेज 5, पेज नंबर 5, तीनों टेबल में से दूसरा वाला टेबल। अब इसकी चीजें पूरी करते हैं, ओपनिंग बैलेंस बता दिया, ये कैसे बना होगा? पिछला क्लोजिंग। इंटरेस्ट कैसे निकला? ओपनिंग पे रेट लगा के। करंट सर्विस कॉस्ट, इस साल की मेहनत का सिला नए फार्मूले नए एस्टीमेट्स के मुताबिक कैलकुलेट हुआ। पास सर्विस कॉस्ट,
इन दोनों के नतीजे में वो जो पिछले साल की फिगर थी उनकी एडजस्टमेंट की, बेनिफिट्स पेड जो इस साल लोग गए उनको पैसे दे दिए, तो ये माइनस क्यों हो रहे हैं? लाइबिलिटी डेबिट नहीं, कैश क्रेडिट नहीं, लाइबिलिटी डेबिट। ये मैंने लाइबिलिटी का टेबल बनाया हुआ है, ये जो पेज 5 पे दूसरा टेबल है ये समझिए लाइबिलिटी का अकाउंट बना हुआ है, तो लाइबिलिटी डेबिट इसलिए माइनस हो रहा है। अच्छा, उसके बाद सेटलमेंट, हम किसी और को ट्रांसफर कर रहे हैं तो लाइबिलिटी फिर कम हो रही है, ये वो लेस। लास्ट लाइन, जो इस साल की अब तक की मेहनत का सिला नए एस्टीमेट पे कैलकुलेटेड। इस कॉलम का जब बैलेंस करेंगे तो वो बैलेंस गेन या लॉस आएगा, क्यों आएगा? अगर बाकी चीजों को फिलहाल छोड़ भी दें, सिर्फ इनकी बात कर लें, तो ये दोनों किस पे कैलकुलेटेड है? नया फार्मूला नहीं, फार्मूला नहीं, फार्मूला तो पास सर्विस कॉस्ट के नाम से एडजस्ट कर दिया, ये नए एस्टीमेट्स के मुताबिक, और ये तो अगर इनमें फर्क आ रहा है तो फर्क क्यों आ रहा है? एस्टीमेट्स बदल गए, और उन एस्टीमेट्स को नाम दिया था एक्चुअरियल अजम्पशंस, ये जो भी पेज 8 पे पढ़ाया था आपको। तो अगर इसमें कोई बैलेंस आ रहा है, कोई डिफरेंस आ रहा है, तो वो अजम्पशंस चेंज की वजह से आ रहा है, क्योंकि ये दोनों फिगर्स ईयर एंड की नई अजम्पशंस के मुताबिक कैलकुलेटेड है और वो पिछले साल की अजम्पशंस पे कैलकुलेटेड है, तो जो डिफरेंस आएगा वो अजम्पशंस चेंज की वजह से है, उसको एक्चुअरियल गेन या एक्चुअरियल लॉस कहते हैं। गेन किस सूरत में होगा? जब इसमें बैलेंसिंग फिगर पॉजिटिव आ रही होगी, नेगेटिव आ रही होगी? क्योंकि अगर बैलेंसिंग फिगर पॉजिटिव आ रही है इसका मतलब लायबिलिटी और बन रही है तो लॉस है, बैलेंसिंग फिगर नेगेटिव आ रही है मतलब जान बच रही है तो वो गेन है। तो साथ मैंने ब्रैकेट भी लगाया हुआ है कि अगर बैलेंसिंग फिगर नेगेटिव आई तो वो एक्चुअरियल गेन होता है, और अगर बैलेंसिंग फिगर पॉजिटिव आई तो वो एक्चुअरियल लॉस होता है। अब ये जो गेन और लॉस है, ये गेन और लॉस P&L में नहीं जाएगा, ये OCI में जाएगा। OCI अदर कंप्रीहेंसिव इनकम, ये क्या बला होती? ये पैट के नीचे, ये वो गेन लॉस हैं जिनका P&L में आना मना होता है, तो ये अदर कंप्रेहेंसिव इनकम में जाएगा। तो ये है गेन और लॉस, जैसे रिवैल्यूएशन गेन लॉस होता है, तो ये है गेन और लॉस, लेकिन ये OCI में जाएगा। ये हो गई सारी की सारी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन की मूवमेंट, और उसमें जो जो चीजें थी वो सारी एक एक करके बता दें। P&L में क्यों जाना चाहिए? एक्चुअली सारी अजम्पशन है ना, तो इनका कम ज्यादा होना P&L को अफेक्ट नहीं करने दे रहे, यानी इनकम स्टेटमेंट के फेस पे इसको अफेक्ट अच्छा नहीं समझ रहे, क्योंकि एम्प्लॉई की सर्विस का रिवॉर्ड या नहीं, ये अजम्पशंस की चेंज है। तो इन अजम्पशंस की चेंज को P&L को हिट करने की बजाय IAS वाले कहते हैं इसको OCI में रखो, बारो बार चाहे रिटेन अर्निंग में डाल लो, इनकम स्टेटमेंट के फेस पे आप इसको एक्सपेंस ना करें, बारो बार रिटेन अर्निंग में ले जाएं, फेस पे इसको गेन लॉस ना करें। तो ये जो एक्चुअरियल गेन लॉस है ये P&L में नहीं आएगा, ये OCI में जाएगा। ये हो गई लाइबिलिटी वाली सारी चीज़ें, लाइबिलिटी वाली सारी चीज़ें डन। अब इसमें से आपको सवाल में क्या करना होगा, ये प्लान एसेट्स वाली बात पूरी कर लो फिर सवाल पे आ जाता हूँ, वो बहुत ही आसान होगा जी। जी जी बिल्कुल, सारा बिजनेस ही बंद किया ना, सारा बिजनेस ही बंद कर रहे हैं, कोई एक यूनिट बंद कर रहे हैं, तो उस यूनिट के जो एम्प्लॉयज थे उसका सिलसिला किसी और को ट्रांसफर कर रहे हैं। लाइबिलिटी वाला पोर्शन डन, तीसरे टेबल पे आए प्लान एसेट्स, ये समझ लें ये जो हमने पैसे कहीं इन्वेस्ट किए हुए हैं, ये बात कल मैंने बताई थी दोबारा बताता हूं, ट्रस्ट एक्ट के तहत एक सेपरेट एंटिटी बनी, जाग रहे हैं, बन गई एंटिटी। इस फंड में जो पैसे कंपनी खुद ट्रांसफर कर रही है इसको कहते हैं कंट्रीब्यूशंस। फिर इस फंड यानी इस एंटिटी के पास जो पैसे हैं, जो पैसे उसने इन्वेस्ट कर दिए, चाहे वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किए, चाहे शेयर में, चाहे डिबेंचर में इन्वेस्ट किए, ये सारे कुछ मिला के प्लान एसेट्स कहलाते हैं। इस फंड के पास जो टोटल एसेट्स हैं उनको प्लान एसेट्स कहते हैं। हर साल के एंड पे उनको फेयर वैल्यू पे अपडेट किया जाता है, हर साल के एंड पे फेयर वैल्यू पे अपडेट करते हैं। तो किसी भी साल के एंड पे ये 250,000, ये क्या चीज होगी? ये फंड के जो उस साल के एंड के एसेट्स थे ये उनकी फेयर वैल्यू, और अगले साल यही ओपनिंग बन जाएगी, तो ये हो 250 जो है। ये काली वाली फिगर तो लाइबिलिटी थी ना, खत्म हो गई बात, ये तो प्रेजेंट वैल्यूज थी, अब मैं प्लान एसेट्स पे आ गया हूं। अरे नहीं भाई, ये जो काली काली फिगर्स हैं ये क्या हैं? ये हमने लाइबिलिटीज कैलकुलेट की हैं अपने बेस्ट एस्टीमेट के मुताबिक, के पैसे देने कितने हैं।
अब वो जो पैसे देने हैं, हमने एक अलग से फंड बनाया और कुछ पैसे साथ साथ जमा करने शुरू कर दिए, फिर उस फंड के मैनेजर ने उन पैसों को इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, तो फंड के पास ईयर एंड पे जितने एसेट्स मौजूद हैं उनकी फेयर वैल्यू निकाली जाएगी, उसको कहा जाएगा फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट्स, वो ये 250,000 है। और यही अगले साल के शुरू में ओपनिंग बन गई। अच्छा, इसमें और साल में क्या क्या चेंजेस आएंगी, पेज फाइव पे तीसरा टेबल। ओपनिंग फेयर वैल्यू कैसे निकली, जो कल शाम को क्लोजिंग थी। फिर जिस तरह से इसको एक साल आगे बढ़ाने के लिए ये क्या करते हैं, तो इसके साथ मैचिंग करने के लिए सेम रेट यूज करते हुए ओपनिंग फेयर वैल्यू पे भी रेट लगा के उसको इंटरेस्ट इनकम कह देते हैं। सेम रेट जो लायबिलिटी में लिया था, सेम जो रेट लायबिलिटी पे लगाया था इधर, और ये कौन सा रेट था, जो पिछले साल पे एज अ डिस्काउंट रेट इस्तेमाल हुआ हुआ था, उसी रेट को इधर ओपनिंग पे रेट लगा के इंटरेस्ट कॉस्ट कहा, और उसी रेट को ओपनिंग फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट्स पे लगा के इंटरेस्ट इनकम कह देंगे। ये इस टेबल की होगी दूसरी लाइन। और ये दूसरी लाइन क्या है, एक उंगली पेज पे रख लें और आप आगे पेज खोल लें, पेज 11 के टॉप ये पढ़ लें, पेज 11 का टॉप इंटरेस्ट इनकम। पेज 11 का टॉप एडजस्टमेंट 6, हाँ जी, ओपनिंग के ऊपर वही वाला डिस्काउंट रेट जो लायबिलिटी पे लगाया वही वाला, उस पे रेट लगाएंगे, और वही डब्बा जो मैंने लायबिलिटी में लिखा था वही डब्बा यहां भी लिख दिया कि अगर दरमियान में कोई चेंजेस किसी डेट के साथ बताइए तो महीनों का ख्याल रख लेंगे, वरना ओपनिंग पे स्ट्रेट फॉरवर्ड रेट लग जाएगा। चले पेज 5 पे वापस आ जाए। ये क्या काम हो रहा है, तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो कंपनी अपना कैश उठा के इन फंड में पैसे डाल रही है। एंट्री क्या बनी, प्लान एसेट्स डेबिट कैश क्रेडिट। पेज 11 पे नंबर 7, पेज 11 नंबर 7, ओके चले पेज 5 पे वापस। जो लोग रिटायर होके जा रहे होंगे उनको पैसे देंगे, तो लायबिलिटी डेबिट प्लान एसेट्स क्रेडिट, ये है वो जो बेनिफिट्स पेड लेस हुआ है। पेज 5 पे बेनिफिट पेड लेस हुआ है, और ये मैं पहले आपको उधर करा चुका। अच्छा, उसके नीचे सेटलमेंट ये भी बता चुका, जब एक फैक्ट्री बंद कर रहे हैं बेच रहे हैं और उसके सारा हिसाब किताब किसी दूसरी कंपनी को बेच रहे हैं, तो जितने प्लान एसेट्स उसके हवाले कर रहे हैं वो यहां से लेस हो गए, वो अलग कैश क्रेडिट है। इनमें से जितने उनके हवाले कर रहे हैं वो प्लान एसेट्स क्रेडिट, जितने और पैसे हम दे रहे हैं वो अपना कैश क्रेडिट, वो पीएनएल में। हमने जो अपनी 65 लोगों की जिम्मेदारी अपने से शिफ्ट की, लाइबिलिटी डेबिट लेट से 1.5 लाख, उस कंपनी ने कहा कि आप इनमें से हमें इतनी इन्वेस्टमेंट्स दे दें, वो हमारी बुक्स में आ रही थी 1,10,000 की, उन्होंने कहा नहीं अभी भी थोड़े हैं, आप हमें ऐसा करें 25,000 कैश भी दे, अब इसमें इधर 15,000 आ रहा है, ये गेन ऑन सेटलमेंट। सेटलमेंट की कॉस्ट कौन सी, उस फैक्ट्री जिसको हम बेच रहे हैं उसमें जो 65 लोग थे उनकी जो अब तक हमने लायबिलिटी बना के रखी थी, अब हमारे तरफ से वो लायबिलिटी खत्म, ये वो डेबिट जो हमारी बुक्स में उसकी वैल्यू आ रही थी। उस दूसरी कंपनी से जो मामला तय हुए कि इतनी इन्वेस्टमेंट हमें दे दें, इतने डिवेंचर दे दें, इतने पैसे दे दें, वो क्रेडिट, और इस पर जो भी डिफरेंस है इधर आया तो लॉस है, इधर आया तो गेन, तो लॉस आ जाएगा। तो प्लान एसेट्स किया ना क्रेडिट मैंने, ले सरकार ये ले, अभी ये 160 हो गया, अब आगे क्या करो, बैलेंस कहाँ आ रहा है एंट्री में, बैलेंसिंग फिगर, वो लॉस है, लॉस ऑन सेटलमेंट। गेन कहाँ से आ गया, हमारे 1500 एम्प्लॉई थे, नहीं गए ना कंपनी, हम बंद नहीं कर रहे भाई, कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, एक सेगमेंट हम खत्म कर रहे हैं, तो मैं वही बता रहा हूँ ना, उस एक फैक्ट्री में जितने मुलाजिम थे उनकी हमारी बुक्स में लायबिलिटी इतनी बनी हुई थी, वो लायबिलिटी डेबिट,
जिस कंपनी को वो फैक्ट्री बेच रहे हैं उनसे ये सेटलमेंट तय हुई कि आप हमें इतनी अमाउंट की इन्वेस्टमेंट हमारे हवाले कर दें, वो 160 आपने कहा, सारे प्लान एसेट्स उठा के नहीं दे दिए? अभी भी नजर आने का मसला, सारे क्यों दे रहे हैं भाई? सब खत्म हो गया, कहाँ बचा है 10,000? अच्छा मैं ना आपके सवाल को दो सवालों में तोड़ता हूँ, ठीक है, दो सवालों में। पहली बात ये, अच्छा बेकार बात कर रहा हूँ, बेकार टाइम लाया कर रहा हूँ, यार क्यों इतने बेकार सवाल करते हो यार, आवाम तंग हो रही है यार। अच्छा अच्छा नहीं मजाक कर, सेंसर करो यार, नहीं नहीं। अच्छा ये जो स्टूडेंट ने सवाल पूछा, मैं सबके साथ सवाल शेयर करता हूँ। सवाल ये है, इसको मैं दो सवालों में तोड़ रहा हूँ। ये हमने, हमारे टोटल 1500 एम्प्लॉइज थे, उन 1500 एम्प्लॉइज के लिए ये सारी लायबिलिटी कैलकुलेटेड थी और प्लान एसेट्स रखे हुए थे। एक फैक्ट्री हमने किसी को बेच दी, उस फैक्ट्री में 65 लोग थे, बाकी 1435 हमारे पास हैं, 65 लोगों की हमने सारी जिम्मेदारी उस कंपनी को ट्रांसफर कर दी। उन 65 लोगों की जितनी लायबिलिटी आ रही थी वो डेबिट कर दी। फिर उस कंपनी ने हमसे जितने मांगे कि आप ये सारे इन्वेस्टमेंट हमारे हवाले करें, उन्हीं 65 लोगों के लिए वो प्लान एसेट्स क्रेडिट कर दिए। वो हमसे और पैसे मांग रहे हैं और कैश दे दिया। अब इतनी लायबिलिटी खत्म करने के लिए हमारे पास से इतने एसेट्स गए, तो अगर ज्यादा एसेट्स चले गए तो लॉस है, कम चले गए तो गेन है। ये जो जितना बताया ये बात समझे। दूसरा सवाल, कंपनी ही खत्म? नहीं कंपनी नहीं खत्म, ये सारा रफड़ खत्म, बंद कर दिया, सारे के सारे प्लान खत्म कर दिए, और इंश्योरेंस वालों से कहा भी तुम जाने हमारे एम्प्लॉइज जाने, हमारे सब बुक्स में से सब कुछ खत्म होने लगा है। तो जितनी भी लायबिलिटी आ रही थी सारी डेबिट हो गए खत्म, जितने भी प्लान एसेट्स आ रहे थे सारे क्रेडिट हो गए खत्म, सब कुछ इंश्योरेंस कंपनी के हवाले कर दिया। अब भी वही बात है, इतने से लायबिलिटी खत्म, इतने से एसेट खत्म। अगर ज्यादा एसेट खत्म हो गए, लायबिलिटी थोड़ी खत्म हुए तो लॉस हो गया। इस एंटी में बैलेंसिंग फिगर अगर डेबिट आ गया तो इस पे लॉस हो गया, क्रेडिट आ गया तो गेन हो गया। अच्छा बस ये अपना अभी ब्रेक में सीढ़ियों पे पूछना मुझसे, पूछते होते नहीं, फिर आप गायब हो जाते हो। अगर वो सवाल बाकियों के साथ शेयर करने वाला हो तो मैं शेयर कर दूंगा, अगर अदरवाइज आपको जवाब देने फर्क कर दूंगा, ठीक है। प्लान एसेट्स की कैलकुलेशन में सेटलमेंट तक मैंने बता दिया, पेज 5 पे हूं मैं, पेज 5 प्लान एसेट्स वाला टेबल, सेटलमेंट तक मैंने बता दिया। अच्छा जी, ओपनिंग फेयर वैल्यू है, ओपनिंग फेयर वैल्यू कैसे बनी, जो पिछली क्लोजिंग थी इसके ऊपर इंटरेस्ट लगा, कौन से रेट से, वही जो लायबिलिटी पे रेट लगाया था, लेट से 10%। बाकी फिलहाल मैं कंट्रीब्यूशन वगैरह सब निकाल देता हूं। क्लोजिंग फेयर वैल्यू ये था 1000, ये 100, ये 1350। पिछले साल इन एसेट्स की वर्थ इतनी थी, अगर ये 10% ही ग्रो करते तो आज इनकी वर्थ 1100 होती। 1350 क्यों है? क्योंकि इन्होंने ज्यादा कमा लिया, तो इस बैलेंसिंग फिगर को रिटर्न ऑन प्लान एसेट्स कहते हैं। तो ये जो सेकेंड लास्ट लाइन है ये इसकी बैलेंसिंग फिगर होगी, और ये बैलेंसिंग फिगर रिटर्न ऑन प्लान एसेट्स कहलाएगी। पॉजिटिव है तो ये गेन है, नेगेटिव है तो लॉस है, और ये भी ओसीआई में जाएगी। ये हो गई प्लान एसेट्स की चीजें, और जो इन दोनों टेबल से फिगर्स निकली हैं यही चीजें ऊपर इनकम स्टेटमेंट की लाइन आइटम्स के तौर पे मैंने लिखी हुई है, वो देख लेके करके इसी पेज के ऊपर पहला वाला टेबल, करंट सर्विस कॉस्ट, पास सर्विस कॉस्ट, ये हमें इस लायबिलिटी वाले टेबल से मिल गई। नेट इंटरेस्ट, ये किसको काम है, इनकम कॉस्ट को नेट कर लिया। गेन लॉस ऑन सेटलमेंट, ये वाला लायबिलिटी वाले टेबल में 1.5 लाख डेबिट हो रहा है, लायबिलिटी वाले टेबल में 1.5 लाख माइनस, प्लान एसेट्स वाले टेबल में सेटलमेंट के आगे 1.60 माइनस, और ये जो इस एंट्री के ऊपर गेन या लॉस आया ये पी एंड एल में चला गया, गेन लॉस ऑन सेटलमेंट।
और ये जो एक्चुअरियल गेन लॉस निकला और जो रिटर्न ऑन प्लान एसेट्स निकला, ये दोनों ओसीआई में, और ये जो एसेट सीलिंग एडजस्टमेंट है ये इफ्रिक 14 में बताऊंगा, तो ये भी ओसीआई में जाता है। और ये जो तीनों ओसीआई की फिगर्स हैं ये प्रेजेंट तो ओसीआई में होती हैं। अच्छा, आपको इतना मैं उम्मीद करता हूं कि पता होगा कि जो पैट है ये इक्विटी में रिटेन अर्निंग में जाके गिरता है, और जो ओसीआई आइटम्स हैं वो अपने अपने रेलेवेंट रिजर्व में, रिवैल्यूएशन गेन हो रिवैल्यूएशन मॉडल वाला तो वो रिवैल्यूएशन सरप्लस में जाके ऐड होगा। आईएफआरएस 9 पढ़ाना है आपको, लेकिन अगर बहुत पुराने लोग नहीं है तो कैफ में पढ़ा होगा, और अगर बहुत पुराने लोग हैं तो फिर तो सीफ में पढ़ पढ़ के थके होंगे। जो फेयर वैल्यू गेन लॉस आता है फाइनेंशियल एसेट्स पे, वो भी ओसीआई में जाता है, और वो बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा, फेयर वैल्यू रिजर्व के नाम से एक रिजर्व होगा उसमें चला जाएगा। ये जो तीन आइटम्स हैं ये प्रेजेंट तो हो रही हैं ओसीआई में, और आईएस 19 ने इनका कोई रिजर्व खास तौर पे नाम लेके नहीं बताया। और मैंने पाकिस्तान में जो कंपनीज की स्टेटमेंट देखी और इवन के जो आईकेएफ के भी सॉल्यूशन देखे, इसका अलग से रिजर्व नहीं ले रहे होते, इसको सीधा रिटेन अर्निंग में डाल देते। यानी प्रेजेंट ये ओसीआई में हो रहा है लेकिन जा वो रिटेन अर्निंग में रहा। तो ये इन दोनों टेबल की वर्किंग से निकली हुई फिगर्स हैं जो एसओसीआई में आ रही हैं फॉर द ईयर, और इन दोनों के क्लोजिंग बैलेंस हैं लायबिलिटी और प्लान एसेट्स के क्लोजिंग बैलेंस नेट होके बैलेंस शीट में जाए। इन दोनों में जो लाइन आइटम्स आ रही हैं बीच में, सर्विस कॉस्ट, पास सर्विस कॉस्ट, इंटरेस्ट, वो इनकम स्टेटमेंट में, एक्चुअरियल गेन लॉस रिटर्न ऑन प्लान एसेट्स ओसीआई में, ये एसओसीआई फॉर द ईयर की चीजें हो गई, और इन दोनों के क्लोजिंग बैलेंसेस नेट होके बैलेंस शीट में जा रहे हैं। अब ये तो सारे कॉन्सेप्ट हो गए, अब आते हैं कि इसका सवाल क्या से होगा और उसमें आपने क्या करना और आपको गिवन क्या होगा, ये नमाज पढ़ने फिर बताता हूं। अच्छा, बता मैं चीजें समेट लूं ताकि बीच में कुछ रही है तो वो पूरी कर लूं। पेज 4 के एंड से, पेज 4 का एंड चैप्टर में, पेज 4 बैलेंस शीट की फिगर बता दी, और इसमें एसेट सीलिंग एडजस्टमेंट अभी नहीं समझाई, वो इफ्रिक 14 में समझाऊंगा। पेज 5 एसओसीआई में क्या क्या जाएगा ये सारा बता दिया, अभी सवाल करते हैं तो वो न्यूमेरिकली सामने फिगर्स आ जाएंगी। फिर नोट्स में एक पीवी ऑफ डिसमेंट डिफाइंड ऑब्लिगेशन, इसकी रिकंसलेशन होती है, और एक फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट्स की रिकंसलेशन होती है, ये भी सारी आइटम डिस्कस कर ली। फिर इस पेज पे नीचे पॉइंट 1-2 हैं कर लिए, अगले पेज पे एग्जांपल डन। फिर उसके बाद पेज 6 पे पॉइंट 3-4, अगले पेज पे पॉइंट 5, ये मैंने अभी नहीं बताया। पेज 8 पॉइंट 6 बता दिया, पेज 9 एक चार्ट बनाया वो नहीं बताया, बाकी पास सर्विस कॉस्ट भी बता दी, सेटलमेंट भी बता दी, और पेज नंबर 10 ये सेटलमेंट वाली बात भी पूरी हो गई, इंटरेस्ट कॉस्ट भी हो गई। 5 फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट्स, पॉइंट नंबर 1 जो एसेट्स कैश की शक्ल में हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट्स की शक्ल में हो सकते हैं, हमने इन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए जो फंड में जमा किए हैं उनको प्लान एसेट्स कहते हैं। पॉइंट 2 हर साल के एंड पे फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट्स निकलेगी, ये भी बता दिया। पॉइंट 3 अगर नोट सवाल में टेस्ट हो गए, पुराने साल में कभी हुए हैं, बहुत पहले 2012 में 13 में इस तरह हुए हैं नोट्स टेस्ट, अब नहीं होते लेकिन तब हुए हैं, तो अगर नोट्स टेस्ट हुए इसके तो एक तो वो दो रिकंसलेशन है नोट्स में, कौन सी दो रिकंसलेशन, तो दो टेबल हैं। इसके अलावा फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट्स का ब्रेकअप बताना है कि इसमें कैश कितना है, बाकी इन्वेस्टमेंट्स कितनी है, प्रॉपर्टी में कितना इन्वेस्ट किया हुआ है, इक्विटी में कितना इन्वेस्ट किया हुआ है, वो सब ब्रेकअप बताना होता है, ये पॉइंट 3 में बताया हुआ मैंने। पेज 10 पे प्लान एसेट्स, और पॉइंट नंबर 4 ये अभी एक सवाल के साथ बताता हूं, अभी कम समझ आएगा, सवाल सामने होगा ना तो बेहतर समझ आएगा। पेज 11 इंटरेस्ट इनकम डन, कंट्रीब्यूशन डन, बेनिफिट्स पेड डन, रीमेजरमेंट पॉइंट 1 भी डन, पॉइंट 2 भी डन। पेज 12.3 ये एसेट सीलिंग एडजस्टमेंट सिखाऊंगा तो बताऊंगा। तो डिफाइंड बेनिफिट प्लान सवाल की हद तक कंप्लीट कर लिया, अब करते हैं इसकी एग्जाम प्रैक्टिस। पहले आइए प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 पे, प्रैक्टिस क्वेश्चन 5
पढ़े, अच्छा अभी यहाँ वो है नहीं मल्टीमीडिया, प्रैक्टिस क्वेश्चन में जबानी डिस्कस करूंगा, पास पेपर का सवाल बोर्ड पे कर दूंगा, ठीक है। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन 5-6 जो है ना, ये मैंने ACC का एक सवाल उठाए हैं, ये P2 का पेपर होता था, ये मैंने उसके सवाल उठाए हैं। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 पढ़ लें, मैं जबानी कर रहा हूँ डिस्कस, सवाल पढ़ लें आप, प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 पढ़ लें सारा। हाँ जी, अगर प्लान ए ही पढ़ लिया अभी तो काफी है, प्लान ए रिक्वायर्ड पार्ट बी SOCI SOFP और नोट्स। अब आप देखें, अगर ध्यान से पढ़ा है सारा कुछ दिया हुआ, सिर्फ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और बैलेंसिंग करके एक्चुअरियल गेन लॉस और रिटर्न ऑन प्लान, यही एग्जाम लेवल होता है, सारा कुछ दिया हुआ। आप थोड़ी ये कैलकुलेट करते फिरेंगे अजम्पशंस क्या हैं, करंट सर्विस कॉस्ट, सारा कुछ दिया हुआ है। तो इसका सोल्यूशन देख लें सीधा, सारी फिगर दी हुई है, ओपनिंग बैलेंसेस दोनों के दिए हुए, क्लोजिंग बैलेंसेस दोनों के दिए हुए, इंटरेस्ट रेट लेके इंटरेस्ट निकल आएगा, करंट सर्विस कॉस्ट दी हुई है, बेनिफिट्स पेड दिए हुए, सारी फिगर्स पुट करके बैलेंसिंग फिगर, एक एक्चुअरियल गेन लॉस निकलना है और एक रिटर्न ऑन प्लान एसेट्स निकलना है। देख लें सोल्यूशन इसका, बैलेंस शीट के फेस पे क्या जाना है, SOCI में क्या जाना है, नोट्स में क्या जाना है, ये सारा कुछ देख लें। क्वेश्चन 5 का सोल्यूशन भी सारा देख लें अच्छी तरह। अच्छा सॉल्यूशन देखने से मेरी मुराद है कि सारी फिगर्स आप रिलेट भी करेंगे, कौन सी फिगर कहाँ दी है, कैसे लिखी, अच्छी तरह तसल्ली से देखें। जो दोनों अलग अलग रिकंसिलिएशन बनाई हैं, इनमें लायबिलिटी वाले में इंटरेस्ट कॉस्ट आ रही है, ओपनिंग पे 5% लगाया है, और फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट्स वाले में ओपनिंग पे 5% लगाया है, एक इंटरेस्ट कॉस्ट है, एक इंटरेस्ट इनकम है, इनका नेट कर दिया। 5% क्यों लिया, 6% क्यों नहीं, वो तो क्लोजिंग के लिए था, तो हमें पिछले साल वाला रेट यानी ओपनिंग वाला रेट लेना है। ये वही एक्चुअरियल गेन लॉस और रिटर्न ऑन प्लान एसेट्स, ये नोट से निकला हुआ है ना, रिकंसिलिएशन से निकली है दोनों फिगर्स, एक से 29 का लॉस निकला है और एक से 27.5 का गेन निकला है, वो नेट करके 1.5 का लॉस बन गया, 1.5 का लॉस बन गया OCI में। वो तो बैलेंस शीट में रिटेन अर्निंग्स के में अंदर जाएगा ना, हमें रिटेन अर्निंग का बैलेंस तो नहीं पता, तो हम बैलेंस शीट में रिटेन अर्निंग का बैलेंस नहीं दिखा सकते। हाँ, जैसे अगर जैसे आगे चेंजेस इन इक्विटी के भी सवाल हैं, तो उनमें अगर ये मिक्स होता तो इसको हम रिटेन अर्निंग वाले कॉलम में लिखते। हाँ जी, कोई मुश्किल कैलकुलेशन में, ये लिटरली एग्जाम लेवल यही है, आई 19 का यही है।
या इसमें थोड़ा सा मुश्किल काम जो हो जाएगा कि वो IFRS नहीं, IFRIC 14 आ जाएगा, जो लास्ट टाइम हुआ था वो भी खैर उतना ज़्यादा नहीं हुआ था IFRIC 14, बल्कि IFRIC 14 नहीं था, इनफैक्ट एसेट सीलिंग एडजस्टमेंट थी, वो मैं IFRIC 14 के साथ पढ़ाऊंगा। तो ये एग्जाम लेवल ही है। प्लान ए में कोई चीज़ पूछनी हो, प्लान बी भी पढ़ लें, प्लान बी भी पढ़ लें और सॉल्यूशन भी देख लें। प्लान बी में तो खैर पूछा ही कुछ नहीं, सिर्फ पार्ट ए ही पूछा है, लेकिन प्लान बी भी पढ़ लें। पेज 5 पे आए, पेज 5 पे, पेज 5, पेज 5 के टॉप पे जो टेबल बना हुआ है ये पढ़ लें अगर बुरा ना मनाए तो, एसओसीआई का जो एक्सट्रैक्ट सुने। मैंने आपको कैलकुलेशन के अतबार से अलग अलग लाइन आइटम बताई हैं, लेकिन इसकी अच्छी प्रेजेंटेशन ये है कि ये इनकम स्टेटमेंट के फेस पे तो खैर क्या, इवन के जो आपने मेरे ख्याल में जिस भी डिपार्टमेंट में हो शायद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख ही ली हूँ, फेस पे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स और एडमिन एक्सपेंसेस आ रहे होते हैं, आगे नोट में उनका ब्रेकअप होता है। तो उस एडमिन कॉस्ट के नोट में, इस डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के नोट में बस एम्प्लॉई कॉस्ट आ रहा होगा या सैलरीज एंड वेजेस आ रही होंगी, उसके फिर सब नोट में ये ब्रेकअप होगा, यानी ये जो करंट सर्विस कॉस्ट, पास सर्विस कॉस्ट, इंटरेस्ट, गेन लॉस ऑन सेटलमेंट, ये सब मिला के सैलरीज एंड वेजेस हैं। ये तो आपको कैलकुलेशन के लिए, मैंने पहचान याद करने के लिए चारों अलग अलग दी, लेकिन मैंने साथ एक मकड़ी बना के नीचे लिखा भी हुआ है। नहीं, ये चारों अलग अलग प्रेजेंट, वैसे अगर चारों अलग अलग प्रेजेंट कर देंगे तो गलत नहीं है, लेकिन इनको मिला के एम्प्लॉई कॉस्ट कहते हैं, सैलरीज एंड वेजेस कहते हैं। तो वो सारी वर्किंग में उन सब फिगर्स को मिला के एम्प्लॉई कॉस्ट बोला हुआ मैंने। इसी तरह से ये जो OCI में तीन आइटम्स हैं, एक्चुअरियल गेन लॉस है और रिटर्न ऑन प्लान एसेट्स है और एक एसेट सीलिंग की एडजस्टमेंट है, इन तीनों को मिला के रीमेजरमेंट का गेन लॉस कहते हैं। ये भी OCI में एक लाइन आइटम है, वो तो वैसे आपको बता रहा हूँ कि तीन तरह की चीज़ें होती हैं, ये एक्चुअरियल गेन लॉस होता है, रिटर्न ऑन प्लान एसेट्स होता है, एसेट सीलिंग एडजस्टमेंट होती है, लेकिन प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से OCI में ये रीमेजरमेंट का गेन लॉस। तो क्वेश्चन 5 के सॉल्यूशन में इस तरह से SOCI के फेस पे प्रेजेंट किया हुआ कि एक्चुअरियल लॉस और रिटर्न ऑन प्लान एसेट्स को मिला के रीमेजरमेंट लॉस कह दिया, करंट सर्विस कॉस्ट, इंटरेस्ट, इन सबको मिला के एम्प्लॉई कॉस्ट कह दिया। तो SOCI के फेस पे इनको मिला के प्रेजेंट किया हुआ। नहीं नहीं, वो तो उस OCI का था। देखें, करंट सर्विस कॉस्ट, पास सर्विस कॉस्ट, इंटरेस्ट और अगर कोई गेन लॉस आ रहा है, ये तो एक्सपेंस में जाने वाली चीजें हैं, ये P&L में ही जाएंगे। अलग अलग लाइन आइटम्स के तौर पे जैसे एडमिन एक्सपेंसेस का नोट बना हुआ है, नोट नंबर 11, इसमें एक एम्प्लॉय कॉस्ट आ रही होगी जिसको ज़्यादातर सैलरीज एंड वेजेस कह रहे होते हैं, ये तीनों की चारों की मिला के फिगर लिखी होगी। हाँ, 11.1 में इसकी डिटेल बता दें, करंट सर्विस कॉस्ट, बल्कि इसमें बताने की क्या ज़रूरत है, वो जो रिकंसलेशन है उसमें नज़र आ ही जाएगा। तो ये चीज़ें नहीं मैंने कहा था कि ये OCI में जानी है, ये तो एक्सपेंस है, जो मैंने एक्चुअरियल गेन लॉस कहा है और रिटर्न ऑन प्लान एसेट्स कहा है, और तीसरी चीज़ जो भी पढ़ाई नहीं है, एडजस्टमेंट सीलिंग, एसेट सीलिंग की, ये तीनों है जो OCI में जानी है, जिनको रीमेजरमेंट गेन लॉस कहते हैं। इसीलिए कहा है क्वेश्चन 5 का अच्छी तरह तसल्ली से देखें सॉल्यूशन, कोई जरा सी भी परेशानी है तो पूछें। क्वेश्चन 5 के सॉल्यूशन की एक एक लाइन आइटम, उसकी प्रेजेंटेशन देखिए, उसमें कोई एतराज है तो पूछें। क्योंकि ये कोई लोन का इंटरेस्ट नहीं है ना, ये इन्हीं कैलकुलेशंस की डिस्काउंटिंग की वजह से आने वाली चीज है, तो इसलिए इसी का हिस्सा है, बजाय इसके के अलहदा से वो फाइनेंस कॉस्ट बने, उसी का हिस्सा है। क्वेश्चन 5 के सॉल्यूशन में और कोई सवाल? हाँ भाई, क्वेश्चन 5। अच्छा, अभी एक स्टूडेंट ने जज्बात का इजहार ये किया था कि ये तो बहुत तेजी तेजी से चीजें होनी शुरू हो गई हैं, तो CFAP 1 का सिलेबस बहुत ज्यादा है, और अगर आपको लग रहा है ज्यादा ज्यादा हो रहा है तो अभी और ज्यादा भी है। अभी हमने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पढ़ा, अभी तो पार्टी शुरू हुई है,
अभी हमने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने हैं, IFRS 2 पढ़ना है अगले वीक के अंदर, IFRS 2 अच्छा तगड़ा आई से कंसोलिडेशन पढ़नी है, लीजेज है, IAS 12 है, IFRS 15 है, रेवेन्यू, तो ये इतना कुछ है सिलेबस के अंदर, तो पढ़ना तो है। क्वेश्चन 5 डन, क्वेश्चन 6 पढ़ लें। प्रैक्टिस क्वेश्चन 6 पढ़ लीजिए। इसमें भी सारा डाटा दिया हुआ है, बस अंग्रेजी में से ढूंढना पड़ेगा। पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड नाम लिख के दिया हुआ था, करंट सर्विस कॉस्ट, अब आपको अंग्रेजी में से पहचानना पड़ेगा। क्वेश्चन 6 भी पढ़ें और ये भी ऐसा ही है, इसका भी सलूशन देख लें। एक पॉइंट इसमें है नहीं बताया हुआ, लेकिन आप एक बार देखेंगे सलूशन तो मैं बताता हूं। प्रैक्टिस क्वेश्चन 6 पढ़ लीजिए और सलूशन देख लीजिए। अच्छा, जब किसी सवाल का सलूशन देखने को कहता हूं ना, तो बेस्ट ये है कि आप कम से कम पहले जबानी कुछ सोचा जरूर करेंगे इसका क्या करना चाहिए, फिर सलूशन देखा करें। जी ठीक है, करता हूँ डिस्कस। जी देख लिया तो मैं डिस्कस करूँ, है समझ नहीं आ रही। जी जी मैं करता हूँ डिस्कस, देख ले पूरा तो डिस्कस करूं।
डिफाइंड बेनिफिट प्लान है और हमने पॉलिसी बना ली, तो कल को हम जरूरत लगेगी तो और भी कंट्रीब्यूट कर देंगे। हाँ भाई चलिए डिस्कस करता हूं। इसमें 2020 ईयर के नोट्स और SOSCI और SOFP, तो इसमें सबसे पहले तो हमें वो दोनों रिकंसिलिएशन पूरी करनी पड़ेगी, वहां से फिगर मिलेंगे। पॉइंट नंबर डी चौथा, ये वो लायबिलिटी का BDCD दिया हुआ है, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑब्लिगेशंस टू प्रोवाइड बेनिफिट्स टू करंट एंड फॉर्मर एम्प्लॉइज वॉज इतना एट 30 जून 2019 एंड एट 30 जून 2020। तो एट की वजह से ये वो लायबिलिटी का बैलेंस है, तो जो 19 वाला दिया हुआ है वो ओपनिंग हो गया और जो 20 वाला दिया हुआ है वो क्लोजिंग हो गया, इस पर कोई एतराज। पॉइंट नंबर ए, एक्चुअरियल कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग बेनिफिट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉय सर्विसेज फॉर द ईयर, ये क्या है, ये करंट सर्विस कॉस्ट के फॉर द ईयर में जो उन्होंने सर्विस दी है उसकी जो एक्चुअरियल कॉस्ट है ये वो दी हुई है आपको 40 मिलियन, तो ये करंट सर्विस कॉस्ट होगी। डिस्काउंट रेट कौन सा यूज करना है, 6%। पॉइंट नंबर बी में कोई मसला, पॉइंट बी सिंपली बेनिफिट्स पेड हैं, दोनों में से लेस हो जाएंगे। पॉइंट नंबर सी समझ लें, और पॉइंट नंबर सी समझने के लिए पेज 10 पे आ जाए, पेज 10। पेज 10 में आखिरी पॉइंट जो भी नहीं समझाया था, प्लान एसेट्स की ईयर एंड की फेयर वैल्यू क्या होगी, क्या चीज होगी है कि साल के एंड पे इस फंड के पास जो एसेट्स हैं, उसकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, उसका कैश है, उन सब की फेयर वैल्यू, कैश तो कैश होगा, प्रॉपर्टीज की फेयर वैल्यू। अगर कंपनी ने इरादा किया हुआ था कि हमने इस फंड में इतने पैसे और डालने हैं, तो सिर्फ इरादे पे वो फंड का एसेट नहीं हम कह देंगे, हम वो पैसे फंड में रखेंगे तो वो प्लान एसेट्स का कैश होगा। अगर अभी सिर्फ हमने इरादा किया हुआ है, बेशक फंड की नजर से देखें तो ये उसका एक रिसीवेबल है, लेकिन नहीं, अभी इस वक्त फंड के पास पैसे नहीं पहुंचे तो सिर्फ हमारा इरादा कर लेने से वो फंड का एसेट नहीं बन जाएगा। सवाल में क्या किया हुआ है, सवाल में ये किया हुआ है कि आपको जो फंड के यानी प्लान एसेट के ईयर एंड की वैल्यू बताई हुई है, पॉइंट सी में हमने इरादा किया था, क्वेश्चन पे आगे, पॉइंट सी में हमने इरादा किया था, क्वेश्चन पॉइंट सी कि इस साल हम 28 मिलियन की कंट्रीब्यूशन फंड को देंगे, यानी पैसे कैश 28 मिलियन फंड में जमा करवाएंगे, अभी बस 20 करवाया है, तो 8 नहीं करवाया ना, तो सिर्फ हमारे वादे के ऊपर वो 8 प्लान एसेट्स का हिस्सा नहीं बन जाएगा। लेकिन जो आपको पॉइंट नंबर ई में, पॉइंट ई में जो फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट्स बताई हुई है उसमें उन्होंने 8 मिलियन शामिल करके दिया हुआ है, लिखा हुआ है इंक्लूडिंग द कंट्रीब्यूशंस ओड बाय सेवेज है, अगर होगा इंशाल्लाह मेंशन, अगर ये पॉइंट टेस्ट किया होगा तो मेंशन होगा। तो इसमें जो 8 मिलियन शामिल है वो नहीं होना चाहिए प्लान एसेट्स का हिस्सा, तो इसलिए वो 8 माइनस किया हुआ, और यही बात मैंने उधर पेज नंबर 10 पे लिखी हुई है कि प्लान एसेट्स में उन कंट्रीब्यूशंस को नहीं शामिल कर देना जो हमने भी वादा किया लेकिन प्लान को दी नहीं है। लेकिन अगर प्लान यानी जो फंड है उस फंड का भी तो कोई ऑफिस हो सकता है, प्रॉपर ऑफिस ना सही, कोई कमरा दिया हो सकता है, कुछ 4 एम्प्लॉयज हो सकते हैं उसकी अकाउंटिंग के, तो उनकी हो सकता है कुछ सैलरी स्पेंडिंग हो, तो वो जो उस फंड के कोई अक्रूड एक्सपेंसेस हैं वो लेस कर देने। दोबारा देखें, प्लान एसेट्स ईयर एंड पे क्या फिगर है फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट्स, के जो फंड में ईयर एंड पे बचा हुआ कैश, उसकी इन्वेस्टमेंट्स, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी फेयर वैल्यू है। तो अगर इस फंड ने अपना कोई खर्चा है जो भी पे नहीं किया तो वो तो उसके कैश से क्रेडिट नहीं हुआ, लेकिन पे करना है उसने, वो माइनस करना है। ये पेज 10 का लास्ट पॉइंट है कि प्लान एसेट्स में अगर आपको सवाल के अंदर ये वादे वाली कंट्रीब्यूशन दे दी है तो वो नहीं होनी चाहिए शामिल, जैसे क्वेश्चन में 8 थी वो निकाल दी, लेकिन अगर प्लान के अपने फंड के अपने कोई अक्रूड एक्सपेंसेस हैं तो ये वही है ना जो पे नहीं किए हुए, अक्रूड एक्सपेंसेस, तो वो प्लान एसेट्स में से करने हैं माइनस, क्योंकि वो तो पे कर ही देने हैं कल को। तो प्लान एसेट्स की जो फिगर है ईयर एंड की उसमें उधार वाली कंट्रीब्यूशन नहीं शामिल करनी, और उस फंड के अगर अपने को एक्सपेंसेस पेबल है वो लेस कर देने। तो ये इस तरह से आपको सवाल में एडजस्टमेंट टेस्ट हो सकती है तो बताया ही होगा, जैसे हो सकता है ये सवाल के अंदर एक लाइन और लिखी होती कि फंड के कुछ 5 मिलियन के अक्रूड एक्सपेंसेस भी हैं, तो फिर वो भी लेस कर देते। फंड इंटरनल है, इंटरनल फंड क्या होता है,
नहीं, फंड एक सेपरेट एंटिटी ही होती है, ट्रस्ट एक्ट के तहत बनी हुई सेपरेट एंटिटी होती है। हम नहीं कर रहे, देखें हम ना फंड के एक्सपेंसेस को अपनी लायबिलिटी नहीं कह रहे, फंड एक सेपरेट एंटिटी है, उसके मुलाजमों की जो तनख्वाह जाती होगी वो फंड के कैश में से चली जाती होगी, हम सिर्फ फंड के ईयर एंड के बचे हुए एसेट्स की फेयर वैल्यू को अपने एसेट्स में ला रहे हैं। तो अगर फंड ने कुछ पैसे भी नहीं दिए हुए, उसके अक्रूड एक्सपेंसेस हैं, वो उनमें से लेस होगा, अब जो अमाउंट बचेगी उसको हम अपने फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट्स कहेंगे। क्वेश्चन सिक्स में और एक मसला आपको पास सर्विस का होगा, वो है पॉइंट नंबर ई के नीचे वाला पैराग्राफ, ये समझ लें। क्वेश्चन लग गया, क्वेश्चन सिक्स लास्ट पैराग्राफ ये समझ लीजिए। इस पूरे पैराग्राफ का मतलब है पास सर्विस कॉस्ट 125 है। पास सर्विस कॉस्ट का वर्ड नहीं है, लेकिन इस कहानी का मतलब है कि पास सर्विस कॉस्ट है, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने प्लान अमेंड किया जिसकी वजह से पेंशन के बेनिफिट्स बढ़ा दिए, उसकी जो एडजस्टमेंट कैलकुलेट की गई है वो 125 है। तो ये पास सर्विस कॉस्ट है, पुराने फार्मूले के मुताबिक पिछला क्लोजिंग कैलकुलेटेड था, अब उसको अगर नए फार्मूले पे अपडेट करेंगे तो जितना एक्स्ट्रा अमाउंट आएगी ये वो है। 125 की अमाउंट गिवन है, अगला मसला केस 125 पे इंटरेस्ट लगना है कि नहीं लगना। आई कैप के कुछ सॉल्यूशंस में ये चीज स्किप हुई हुई है, लेकिन मैं आपको लॉजिकली बताता हूँ इंटरेस्ट लगना चाहिए। ओपनिंग बैलेंस क्या होगा, फिगर नहीं पूछ रहा, क्या चीज़ होगी ये, जो पिछला क्लोजिंग था 30 जून 20, इधर हम क्लोजिंग कैलकुलेट कर रहे हैं, कब की फिगर है, एज एट 30 जून 20। करंट सर्विस कॉस्ट ये भी किस दिन के हिसाब से कैलकुलेटेड है, 20 के एंड के हिसाब से। ओपनिंग फिगर किस दिन की थी, इसको एक साल आगे बढ़ाएंगे तो इंटरेस्ट लगेगा। पास सर्विस कॉस्ट इसी दिन की फिगर कैलकुलेटेड होनी चाहिए, लेकिन अगर वो भी इस दिन की कैलकुलेटेड फिगर है तो उसको भी तो इंटरेस्ट लेके आगे बढ़ाएंगे ना, अगर ना बढ़ाएं तो वो जो डिफरेंस आ जाएगा वो एक्चुअरियल गेन लॉस हो जाएगा। ऊपर से गया, ओपनिंग बैलेंस पिछला क्लोजिंग है, उसको एक साल इंटरेस्ट लगा के हमने गाड़ी में बैठा के यहां पहुंचा दिया, क्लोजिंग इसी दिन की कैलकुलेटेड फिगर है, करंट सर्विस कॉस्ट इसी दिन की कैलकुलेटेड फिगर है, पास सर्विस कॉस्ट भी अगर इसी दिन की कैलकुलेटेड फिगर है तो ठीक है, क्लोजिंग से टैली करेगा, लेकिन अगर पास सर्विस कॉस्ट इस दिन की कैलकुलेटेड फिगर है तो वो तो क्लोजिंग में टैली नहीं कर रहा होगा, फिर उसको भी हमें एक साल आगे ले जाना पड़ेगा, इसलिए इस पे भी इंटरेस्ट कॉस्ट आएगी। अगर पास सर्विस कॉस्ट की सवाल में डेट दे दी हो और वो पहले दिन की डेट, जैसे इसमें डेट दी है ना 125 कब की डेट का है, इसलिए इसमें इंटरेस्ट लगना चाहिए। हाँ अगर डेट ना लिखी होती, बस कहा होता कि पास सर्विस कॉस्ट की एडजस्टमेंट 125 है, तो यकीनन उसने ईयर एंड के हिसाब से कैलकुलेट करके दी होती। तो अगर आपको पास सर्विस कॉस्ट की डेट लिख दी और वो साल के शुरू की है तो उस पर भी इंटरेस्ट कॉस्ट लगना चाहिए, लॉजिकली लगना चाहिए। अगर आप नहीं लगाएंगे तो डिफरेंस आ जाएगा और वो एक्चुअरियल गेन लॉस बन जाएगा, हालांकि एक्चुअरियल गेन लॉस नहीं है। तो एसीसी के क्वेश्चंस में उस पर लिया होता था इंटरेस्ट, आईकेप के क्वेश्चन में नहीं लिया हुआ, गलत है वो, तो इसलिए इस पर इंटरेस्ट आना चाहिए अगर डेट लिखी हुई है तो, और अगर डेट ना लिखी होती तो बस फिर वो ईयर एंड की कैलकुलेटेड फिगर होती, तो इसलिए इंटरेस्ट ओपनिंग प्लस पास सर्विस पे लगाया है। जी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर नहीं होता ना, क्योंकि एडजस्टमेंट कैलकुलेट हो रही है तो 17 अगस्त को क्यों करेंगे कैलकुलेट, या तो वो स्टार्टिंग पॉइंट के हिसाब से करेंगे एंडिंग पॉइंट से, तो मिड नहीं होगा ये। पास सर्विस कॉस्ट दोबारा सुन लें, पिछले साल की जो क्लोजिंग बैलेंस की फिगर थी वो पुराने फार्मूले पे कैलकुलेटेड थी, उसी को नए फार्मूले पे अपडेट करेंगे तो जो डिफरेंस है वो पास सर्विस कॉस्ट है। अगर वो कैलकुलेशंस 30 जून 19 को सामने रख के की गई हैं तो वो इस डेट की कैलकुलेटेड फिगर है, उस पर भी इंटरेस्ट लगना है, और अगर वो 30 जून 20 के हिसाब से कैलकुलेट की गई है तो वो ऑलरेडी 30 जून 20 के हिसाब से फिगर है, उस पर इंटरेस्ट नहीं लगना। पिछले ईयर से करें आपको अगर डेट ना लिखी होती और मैं जो कह रहा हूँ उसको ईयर एंड की फिगर समझें, तो आप कह रहे हैं कि उसको क्यों ईयर एंड की फिगर समझें, ये कह रहे हैं ना आप। हो सकता है कैलकुलेट करने वाले ने यही सोच के कैलकुलेट किया हो कि हम ईयर एंड पे खड़े सारे डिस्पेंस कर रहे हैं, तो ईयर एंड के हिसाब से डिस्काउंटिंग की है उसने उसकी, हो सकता है, इसमें कोई मसला तो नहीं है। लेकिन वो निकली, देखो वो तो क्लोजिंग भी पिछले सालों से भी रिलेट कर रहा है, क्लोजिंग की फिगर क्या है, पिछले साल भी इस साल भी इनकी सर्विस की पीवी,
तो पास सर्विस कॉस्ट भी वो इस साल के एंड के सामने रखते हुए निकाल सकता है। क्लोजिंग फिगर भी तो पिछले सालों की लायबिलिटी भी है ना। जब पास सर्विस कॉस्ट की कोई कैलकुलेशन करके दे रहा है, अगर वो इस चीज का मार्जिन रख के कैलकुलेट करके दे रहा है, मैंने ईयर एंड की निकाल दी आपको फिगर यूज कर लो, तो मेहरबानी उसकी, तो कैलकुलेट करके दे सकता है वो, कैलकुलेट करके दे सकता है भाई। तो अगर वो कैलकुलेट करके दे रहा है तो एज इट इज यूज कर लेंगे। लेकिन अगर वो कह रहा है कि मैंने 1 जुलाई 19 को सामने रखते हुए कैलकुलेट किया है, फिर उस पर भी इंटरेस्ट लगेगा। क्वेश्चन 6 में और आपने कुछ पूछना है तो पूछ जी। जो पास सर्विस कॉस्ट होती है, अच्छा ठीक है सर, इतनी इस बार पढ़ के पता कैसे लग रहा है कि दोनों के डिफरेंस की बात कर रहे हैं, 125 जो है दोनों का डिफरेंस है। The actuary is computed that the present value of cost of these benefits, कौन से benefits? अगर ये नए फार्मूले पे निकली हुई फिगर होती या पुराने फार्मूले पे निकली हुई फिगर होती, यानी टोटल, तो वो तो 3000 million समथिंग है, सिर्फ 125 थोड़ी होगी। जो आपको इससे ऊपर वाले पॉइंट में दी हुई है, पॉइंट डी में 2900 million 3100 million, तो वो 125 वो टोटल नई फिगर थोड़ी होगी, एडजस्टमेंट ही होगी। पास सर्विस कॉस्ट फॉर द ईयर से क्या मुराद है? इसको फॉर द ईयर एक्सपेंस बनाएंगे, हाँ हाँ, एक्सपेंस सारा इसी साल में बनाएंगे, लेकिन होगी असल में वो पिछले साल तक की कैलकुलेशंस की फार्मूले चेंजेस की वजह से एडजस्टमेंट, लेकिन बनेगा एक्सपेंस इस साल वो। और पूछें क्वेश्चन 6 में जो पूछना, पूछे पूछे घड़ी ना देखें, पूछे अच्छा मैंने पहले कुछ सवाल छोड़ दिए थे, आप पूछ रहे थे कुछ, वो आपके पीछे जो बैठा हुआ, आप नमाज से पहले कुछ पूछने लगे थे। अभी हम इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट कर रहे हैं? ओपनिंग बैलेंस पे। बेनिफिट्स पेड अगर ईयर एंड पे हैं तो वो सारा काम ईयर एंड पे हो रहा है, सिर्फ इसको इंटरेस्ट की गाड़ी में बिठा के यहां तक लाना है। लेकिन अगर बेनिफिट्स पेड यहां पे हुए होते तो यहां तक के इंटरेस्ट 6 महीने का इस पे लगता, और फिर अगले 6 महीने का इंटरेस्ट बेनिफिट माइनस करने के बाद वाले पे लगता। लेकिन इतनी कॉम्प्लिकेशन की उम्मीद नहीं है वैसे। आपने भी कुछ पूछा था शायद? नहीं जी। अगर सर खाली ओपनिंग बैलेंस दिया हो, हिसाब भी आया हो कि रेट चेंज हो गए 6-7%, तो फिर हम निकाल सकते हैं उसको, कैसे निकालेंगे? क्या चेंज हो गया? रेट कौन सा चेंज हो गया? इंटरेस्ट का रेट। तो इंटरेस्ट का रेट चेंज होना तो अजम्पशन की चेंज है ना। पास सर्विस कॉस्ट प्लान अमेंडमेंट या कटेलमेंट की वजह से, अजम्पशंस चेंज की वजह से नहीं है। पास सर्विस कॉस्ट इंटरेस्ट रेट चेंज की वजह से नहीं है, पास सर्विस कॉस्ट प्लान का फार्मूला चेंज होने की वजह से। अजम्पशंस चेंज होने से जो भी फर्क पड़ रहेगा वो एक्चुअरियल गेन लॉस। क्वेश्चन 6 में और सवाल पूछे, खुल के पूछे, कोई मसला नहीं टाइम का, पूछे। हाँ जी, वो तो बता दिया ना, उसमें करो बता दें। 8 बजे सुबह 8 बजे संडे। हाँ जी, पहले क्वेश्चन 6 ओके करें। क्वेश्चन 6 डन। अच्छा अब इसका एक पास सर्वर का सवाल मैंने कराना था, वो मैं अगली क्लास में करा दूंगा, और फिर ये IS-19 डन है। लेकिन वैसे तो आपने संडे तक कहाँ पढ़ा होना है, लेकिन अगर कोई पढ़ना चाहे, अगर कोई पढ़ना चाहे, पेज 6, 7 और 7.5 पेज 6 पे, पॉइंट 3, पॉइंट 4 और अगले पेज का पॉइंट 5, ये मैंने सिर्फ IAS के कुछ पैराग्राफ नॉलेज के लिए रखे हैं, और इससे सिर्फ और सिर्फ ये कॉन्सेप्ट बताना मकसद था कि ये जो टोटल बेनिफिट एंड पे देना है, इसको एक्सपेंस कितने पीरियड पे बनाना है, ओवर द सर्विस। इनमें ये डिस्कस किया हुआ है, इसको कहे तो मैं हसब तौफीक रहा हूँ, लेकिन हो जाए तौफीक सबको तो अच्छी बात है, हो सकता है कोई इसका सवाल बन जाए, हो सकता है। इनमें ये डिस्कस किया हुआ है कि ओवर कौन सा सर्विस पीरियड, यानी अगर एक एम्प्लॉई ने टोटल 20 साल सर्विस करनी है, तो क्या वो ग्रेजुअली उस पूरे 20 साल पर डिवाइड होनी है, या क्या पता उसमें से सिर्फ 5 में होनी है। मैचिंग कॉन्सेप्ट पे बेस करते हुए ये इस 1.5 पेज में डिस्कस हुआ है, मिसालों के साथ डिस्कस हुआ है। ये मैंने IAS के ही पैराग्राफ उठाए, IAS की एग्जांपल उठाई हैं। इसमें सिर्फ इतना डिस्कस हुआ है कि उस ग्रेजुटी को हमने जो एक्सपेंस बनाना है ओवर द पीरियड,
वो ओवर कौन सा पीरियड, सारी की सारी सर्विस या कुछ खास ईयर्स की सर्विस का वो रिवॉर्ड है। जैसे हो सकता है एम्प्लॉई ने टोटल 15 साल सर्विस की होती, लेकिन उसको कहा होता है ये जो आखिरी 5 साल है ना इनका इनाम तुम्हें मिलना है, पहले 10 साल के अंदर छोड़ दिया तो कोई इनाम नहीं है, तो फिर वो आखिरी 5 साल के अंदर एक्सपीरियंस बनना चाहिए। इस तरह की चीजें इन दो पेजेस में डिस्कस हुई है तो मेनली कॉन्सेप्ट के लिए, लेकिन हो सकता है इसके ऊपर कोई सवाल डिस्कशन का बन जाए, बना नहीं है लेकिन बन सकता है। तो इसलिए अगर आप इतवार तक पढ़ सकें इसको जो अगली क्लास है तो पढ़ाएं, डिस्कस कर लूंगा, नहीं पढ़ सके पढ़ना चाहते हुए तो मंडे की क्लास में डिस्कस कर लूंगा। लेकिन अब इसमें करने वाला मेरा काम यह है कि इसका एक पास पेपर का सवाल कराना है, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट खत्म, अदर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स में सिर्फ इतना कहना है कि पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट जैसा होता है खत्म, और टर्मिनेशन बेनिफिट्स में इतना कहना है कि I-37 की प्रोविजन जैसा होता है खत्म। हाँ तो इसका एक पास पेपर का सवाल कराऊंगा और उसके बाद ये बातें कह के तो I-17 क्लोज, फिर IFRIC 14 कराऊंगा अगली क्लास में। चले ठीक है, अल्लाह हाफिज़।